पहले तो ये कश्मीर की खुजली जो है, पहले आपके हुक्मरान को खुजली का इलाज करना है, ठीक है ना, हर जगह जाके कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पहले जब इसका इलाज हो जाएगा। अब आप बताइए शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी? हिंदू बनिया मुशरिक कमीना दुश्मन आपका, वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं, लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। वो तो आ रहा है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर इंडिया के लिए पूछा जाए तो इंडिया के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि क्योंकि जो हमारे रिलेशंस खराब हुए वो लोगों के बीच में खराब नहीं हुए, ये पूरा एक माफिया है, ये लोगों को परसुएट किया गया, लोगों के दिमाग में ये बातें डाली गई। कल मैं देख रही थी, कल मैं देख रही थी, पलट के मत देखना और पूछना मत कि क्या किया इनका। जैद अली को दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे कि ये मुल्क को दिवालिया भी कर बैठे हैं, आईएमएफ इनसे नाक से लकीरें खिंचवा रहा है, ये आईएमएफ की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं मार सकते। खुद जो हमारा वजीर आजम जो पहले कहता था बैगर्स आर नॉट चूजर्स, अब उससे जो चॉइस है हर किस्म की चॉइस छीन ली गई है। गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आजादी तो ले ली, अब मैं किससे आजादी मांगू? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मुल्क का दिवालिया निकल गया है, पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड, मुल्क दिवालिया हो गया है। और ये यहाँ पर कश्मीर का वो हो रहा था, और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहाँ के हालात सुना रहे हैं। और हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं, ये कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने इंटरव्यू देखा है कि याना बिर ने कैसे पाकिस्तान को जो खुजली उसके अंदर मची हुई है उसको बंद करने के लिए कहा है। दोस्तों लाल टोपी जो कि हमेशा भारत के खिलाफ बोलता रहता है और कश्मीर के ऊपर ये कहता रहता है कि कश्मीर हमारा है और हम ले लेंगे, वो कहीं ना कहीं जो याना बिर है उन्होंने उसकी औकात दिखा दी है। और दोस्तों जिस तरीके से लाल टोपी भारत के खिलाफ रहता है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, कोई ना कोई ऐसा तो उसको मिल ही जाता है जो उसको दबा कर देता है, उसकी जो प्रोपेगेंडा है उसको पूरी तरीके से नकार देता है। और दोस्तों कश्मीर के मुद्दा पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा अब ख़राब हो चुका है, कब पाकिस्तान जो है कश्मीर के ऊपर बात भी नहीं करता है। दो तीन एनालिस्ट हैं जिसको कि बस पाकिस्तान में फेमस होने के लिए कश्मीर और मोदी के ऊपर बुराई करनी होती है, वो ये काम करते हैं, जिसमें कि लाल टोपी भी जो है वो शामिल है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ, अगर हम उसकी बात देखें तो जिस प्रकार से पहले वो कश्मीर की बातें किया करते थे कि कश्मीर को हम ले लेंगे तो कश्मीर में ये है तो वो है, वो बातें अब नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान गया है कि अगर हम कश्मीर के ऊपर बात करते रहें तो हम भूखे मर जाएंगे और कोई उसका फ़ायदा भी नहीं होगा, कश्मीर भी नहीं मिलेगा और भूखे भी मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम भारत से दोस्ती ही कर लें। तो चलिए अभी हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का जो याना बिर है वो कैसे पाकिस्तानी मीडिया की बैंड बजा रही है कि जी पहले वो रोकी है फिर बात होगी, तो इसका तो मतलब है कि बात कभी नहीं होगी, क्योंकि ये काम अगर पाकिस्तान कर भी रहा है तो भी बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसको कंट्रोल करने में। हाफिज सईद को दे दो, बहुत हम टेलीविजन देखेंगे क्या करेंगे क्या? अच्छा एक चीज, एक चीज याना, एक चीज आप लोग करेंगे क्या उसका? अब वो हम बताएं। देखिए हाफिज सईद कल मैं देख रही थी, कल मैं देख रही थी, पलट के मत देखना और पूछना मत कि क्या किया इनका। जैद अली को दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे, मैं बता रही हूँ ना, आप ऐश करोगे। किसी काम के नहीं रहे याना, आप गुटली क्यों, आपको गुटली क्यों गिननी है, क्या करोगे उनका? यूज़लेस हो गए ये, आउट ऑफ वर्क। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका चार भी नहीं पड़ सकता। नहीं नहीं आप नहीं पता, आपको नहीं पता कुछ, आप बस हवाले कीजिए शो के बाद। मेरे पास वैसे नंबर है इनमें से, ये हाफिज सईद जो इनके हैं मतलब मोस्ट वांटेड, उनका नंबर है मेरे पास, वैसे कभी कभार ना मेरे वो स्टेटस को भी देख लेते हैं तो मैं उनको फोन करता हूँ। तो जेल में नहीं थे, हमने तो उनको 31 इयर्स के लिए जेल में नहीं डाला, उनके मैनेजर देखते होंगे, लेकिन नंबर उनका, नंबर उनका है, ये नंबर उनका, ब्रेकिंग न्यूज है ये, हमारे चैनल में ब्रेकिंग न्यूज है, नंबर उनका है, नंबर उनका। क्या करें,
अब कोई और यूज कर रहा है मुझे नहीं पता, ये लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी माखन इस जगह का व्हाट्सएप स्टेटस आपने सही चेक करता है, हद हो गई मतलब। तालिबान के लोग मेरे ख्याल, ये तो मैंने आपको एक दफा दिखाया भी था कि सुहेल शाहीन जो है, जो अभी मतलब इसके बड़े स्पोक्स पर्सन थे, वो मेरे काफी दफा मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, हालांकि उनका अपना नंबर है सुहेल शाहीन नंबर है, हाफिज सईद और ये इस तरह के लोगों का तो ना बताइए ना कि आपके स्टेटस चेक करते हैं। लेकिन अगेन आई एम बता रहा हूँ कि मैं, एक मिनट पकर आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, कुछ लेडीज को भी बात करने दीजिए जी। याना आपको क्या लग रहा है कि इनको जो टाइम लगेगा, जाहिर है सब चीजों को कंट्रोल करने में अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो उस वक्त तक मतलब तो सालों लग जाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात ही ना करे, ट्रेड ही ना करे? देखिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, पहले तो ये कश्मीर की खुजली जो है, पहले आपके हुक्मरान को खुजली का इलाज करना है, ठीक है ना, हर जगह जाके कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पहले जब इसका इलाज हो जाएगा। अब आप बताइए शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी, मतलब यहाँ पे उनके बेस्ट फ्रेंड टर्की के साथ देखिए क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे चाइना देखिए, अच्छा चाइना आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स चाइना एंड टर्की, टर्की को आप लोग भेज देते हो रिलीफ मटेरियल, वो भी वही सेम रिलीफ मटेरियल जो टर्की ने आप लोगों को भेजा था फ्लड्स के टाइम, उसी की पैकेजिंग चेंज करके आप वापस टर्की को भेज रहे हो। नया कहाँ से लाए हम, मतलब कहाँ से लाए नया, ये भी बता देना, यही शुक्र करें उन्हीं का सामान उन्हीं को दे दे, ये दोस्ती होती है। अच्छा दूसरी तरफ चाइना को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, चाइना देखो जापान को फ्रांस को 1.1% पे लोन दे रहा है और आप लोगों को 3.6% पे लोन दे रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप सोचिए कहाँ दोस्ती कहाँ है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस्ती ट्राइंग टू यू नो ये फेक दोस्ती को मतलब बढ़ावा दे। अच्छा जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं टर्की आना चाहता हूँ, वहां भी उनकी इंसल्ट हो गई भाई, उनको बोला गया वहां से कि नहीं नहीं हम बिजी हैं अब मत आना। तो ये देखिए गैरों के साथ दोस्ती का बॉन्ड बनाने से अच्छा है जो अपने हमसाए उनके साथ बना के रखो, सिंपल एज दैट। आपने अगर इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया कहीं फट ना जाए, लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक पता नहीं वो सेंस ऑफ हेट्रेड जो है ना इंडिया के लिए, जो जमीनी तौर पे जो आवाम को है, जिस दिन वो खत्म होगा, आई बिलीव दैट टाइम जो है ये अपीजमेंट पॉलिसी खत्म हो जाएगी, बिकॉज आई फील कि ये आपकी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जो हुक्मरान है उनकी भी गलती नहीं है, दे आर ट्राइंग टू अपीज समवन। इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं, किसी ना किसी को तो अपीज करना चाहिए, उनको पता है कश्मीरी तो उनको आके वोट नहीं देगा है कि नहीं, तो फिर वो किसको अपीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं। पहले ये पता करना है कि वो लोग हैं कौन जो अपने हुक्मरान से सिर्फ ये सब सुनना चाहते हैं, ना कि इन्फ्लेशन कैसे कम किया जाए, फ्यूल प्राइस कैसे कम किए जाए, आटा कैसे फराम किया जाए, ना कि ये सब, लेकिन कुछ एक तबका है जो सिर्फ ये सुनना चाहता है कि कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो सिर्फ तबके को आइडेंटिफाई करना है और वहां से आप लोगों को काम शुरू करना है, तब जाके ऑन अ ग्लोबल लेवल एंड ऑन अ नेशनल लेवल चेंजेस आएंगी पाकिस्तान। तो यही चीज है दैट हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत मस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस ओल्ड प्रोपेगेंडा एंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रेश कि इंडिया से हाथ मिलाने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं, अगर इन्फ्लेशन कम करना है, अगर महंगाई कम करनी है, अगर यू नो ट्रेड इंक्रीज करना है, तो इट्स बहुत जरूरी है अगर टूरिज्म। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज्यादा ही शॉक्ड है, जिस प्रकार से याना मीर ने कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को धोया है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है वो याना मीर ने किया है। दोस्तों याना मीर की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती है, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा कश्मीर के ऊपर करता है, ये करना बनता भी है, क्योंकि याना मीर एक कश्मीरी हैं, खुद कश्मीर में रहती हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि कश्मीर के हालात क्या हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब आर्टिकल 17 और 35 को हटाया गया था, तब यही पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि पाकिस्तान कश्मीर में ये हो गया, जो इंडिया की फौज है वहाँ पे लोगों को मार रही है, वहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, मतलब इस प्रकार के इतने गिरे हुए जो इल्ज़ाम है वो जो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान की जो मीडिया पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने लगाया था। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी आज खुश है आर्टिकल 317 और 35 पे हटने के बाद, जिस तरीके से आतंकवाद एकदम पूरा एकदम कम हो गया है
और जहाँ वहाँ पे पथराव लगातार हुआ करता था वो पथराव तो एकदम 92% अगर हम कहें कि वो ख़त्म हो गया तो ये गलत नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की एक बहुत अच्छा कदम मतलब होने के बाद ही ये संभव हुआ है कि आज कश्मीर के लोग कम से कम आतंकवाद और जो पथराव है जिसके पीछे वो भागा करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे जो है वो अंधे हुआ करते थे क्योंकि आंसू के गैस तो छोड़ना पड़ता ही है, तो वो सब बंद हो गया है। और खुद कश्मीरी भी इस बात को मानते हैं कि ये कदम जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है ये बहुत ही अच्छा किया है और हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।